अभी क्या? वो दुआ के पास ही रुक गई है। जावेद भाई, दोनों दोस्तें हैं, टेंशन में थी तो। मैं आपसे बात नहीं करूं। लेकिन मैं आपसे बात करने आई हूं। कीजिए। आपको अपना लॉयर बदलना होगा, प्लीज मेरी बात को समझें। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही, आप समझाएं मुझे। खुदा का वास्ता जावेद, समझने की कोशिश करें। हमारा लॉयर जो है वो उमर के पेरेंट्स के साथ मिला हुआ है, यही सच है। तुम भी वजीहा की जुबान बोल रही हो? किसी की जुबान नहीं बोल रही है, जो सच है वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है। और ये जो जल्दी की तारीख दिलवाई है ना, वो भी उनके कहने पर ही की है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उन्हें क्या फायदा इससे? फायदा तो हमें, तारीख पहले होगी, बेल पहले होगी। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप और खदीजा, या फिर आप और अरसलान साहब? क्यों कर रहे हैं सब? ये मुखबिरी, ये नजरे करम, सब कुछ क्यों कर रहे हैं अरसलान साहब? मेरा ख्याल है मुद्दे पर आते हैं। आपके वकील के बारे में बात हो रही है। जी नहीं, मुद्दा अरसलान साहब है, आपके खास दोस्त। जिनकी वकालत करने आप यहाँ आई है, जिसकी वकालत की वजह से मेरी ही फैमिली हमारे लॉयर के खिलाफ हो गई है, और वो ये धमकी दे रहा है कि वो ये केस ड्रॉप कर देगा, और अगर उसने ये केस छोड़ा तो अबान को जिंदगी भर जेल होगी। जावेद भाई बस, जो भी मुंह में आ रहा बोले चले जा रहे। मेरा कैरेक्टर, मेरा ताल्लुक, हैरत तो मुझे आपकी इस घटिया सोच पर होगी, जो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर कीचड़ उछाले चले जा रहे। और ये जो इल्जाम आपने मुझ पर लगाया ना, 2 दिन के बाद आप खुद भुगतेंगे। जब अबान की बेल नहीं होगी ना, अपनी अकल पर खुद मातम मनाइएगा। क्यों मातम करूंगा मैं अपनी अकल पे? क्योंकि आपकी गफलत की वजह से अबान लंबे अरसे के लिए जेल जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और जहां तक ताल्लुक मेरे खास दोस्त का है ना, वो सिर्फ आपके दिमाग का फतूर है, और आप जैसे लोगों की सोच औरत के लिए यहीं पर आकर रुक जाती है। मुझे खुदा का वास्ता है, बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चों का लिहाज किसने किया है यहाँ पर? हाँ,